क्योंकि टीचर उनको तैयार करेगा। जब वो बोलेंगे तो एक आध चीज नहीं आपको भी उभर करके आएगी। तो ये एक प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी मैंने 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल का ये मेरा भाषण था, तो उसका एक अपना अलग मेरा मिजाज भी था, तो मैंने 2047 को ध्यान में रख करके बातें की। और उसमें मैंने आग्रह किया कि पंच प्राण की चर्चा की। क्या उन पंच प्राण हमारे क्लासरूम में इसकी चर्चा हो सकती है क्या? असेंबली जब होती है, चलिए भाई आज फलाना विद्यार्थी और फलाना टीचर पहले प्राण पर बोलेंगे, मंगल को दूसरे प्राण पर, बुधवार को तीसरे प्राण पर, शुक्रवार को पांचवें प्राण पर, फिर अगले सप्ताह फिर पहले प्राण पर ये टीचर ये, यानी साल भर उसका अर्थ क्या है, हमें क्या करना है? ये पंच प्राण हमारा भी तो प्राण तत्व होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ उसकी सराहना हो रही है। सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये पांच प्राण ऐसे हैं कि हमारे आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। तो ये पांच प्राण उन बच्चों तक कैसे पहुँचे, उनके जीवन में कैसे आए, इसको जोड़ने का काम कैसे करेंगे? दूसरा, हिंदुस्तान में अब कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना ना हो। उसको कहना चाहिए बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसको पूछना चाहिए, हिसाब लगाओ तुम्हारे पास इतने साल है, तुम बताओ इस साल इतने सालों में तुम तुम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे, हिसाब लगाओ। 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल है, कितने महीने हैं, कितने दिन है, कितने घंटे हैं, तुम एक एक घंटे को जोड़ करके बताओ तुम क्या करोगे।